देखिए, पिगमेंटेशन सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि पिगमेंटेशन होता क्या है। हम सब में जो कलर है स्किन का, वो पिगमेंट की वजह से होता है, मेलेनिन की वजह से होता है। पिगमेंटेशन का जो डिसऑर्डर होता है, जब हमारा मेलेनिन का जो पिगमेंट है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो फिर हम उसको पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी शर्मा एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो, जहां हम बात करते हैं आपकी हेल्थ और फिटनेस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है स्किन एंड फेस केयर, जो कि सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे मेल हो या फीमेल, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा यंग और रेडिएंट दिखे। और इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर माला, जो कि एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट है, और इनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ द गुड हेल्थ शो। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल विदुषी, एंड हेलो अगेन टू योर लवली व्यूअर्स। यस मैम, आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। लाइकवाइज मैम, हम देखते हैं कि हमारी स्किन पर, हमारे फेस की जो स्किन है उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है, चाहे एक्ने हो, चाहे हाइपरपिगमेंटेशन हो, चाहे डार्क स्पॉट्स हो। सो आज हम बहुत ही आसान से शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि हम अपना क्या रूटीन रखें एक नेचुरल और ग्लोइंग स्किन के लिए। ठीक है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विदुषी, क्योंकि आजकल की पोल्यूशन फिल्ड लाइफ एंड स्ट्रेस फिल्ड लाइफ में एवरीबडी वॉन्ट्स अ सिंपल सोल्यूशन। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले आप अपने स्किन को एक ऑर्गन ही समझिए, कि वो एक बॉडी का हिस्सा है, ब्यूटी तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर स्किन एज यू वुड एन एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, विच मीन्स यू हैव टू नरिश इट अंदर से एंड टेक केयर ऑफ इट एंड प्रोटेक्ट इट बाहर से, सिंपल वर्ड्स में। सो ऑफ कोर्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रात को 6 से 8 घंटा सोना, जो सबसे मुश्किल काम है, अ हेल्दी डाइट विद लॉट्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, फ्रेश फ्रूट्स हों आपके डाइट में, वेजिटेबल्स हों, एंड ये तो अंदर से बेसिक केयर हो गया। सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे आप वॉकिंग करते हो, योगा करते हो, जो भी करते हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, एंड देन वी कम ऑन टू द स्किन केयर। तो अगर आपको सिंपल से सिंपल रूटीन चाहिए, तो उसके लिए एक बेसिक क्लेंजर आपके स्किन के अकॉर्डिंग, उसके बाद में सन प्रोटेक्शन चाहिए होता है हमारे स्किन को, हाइड्रेशन चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, अगर आपके कोई माइनर स्किन इश्यूज़ हैं तो उसके हिसाब से कोई माइनर ट्रीटमेंट आपको अगर ज़रूरत है आप उसको यूज़ कीजिए। ओके, एंड मैम जैसे बात करते हैं डे और नाइट शेड्यूल की, तो क्या ये दोनों शेड्यूल इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर हमें एक नॉर्मल सिंपल डे रूटीन से भी अपनी स्किन को अच्छे से रख सकते हैं? देखिए, स्किन को दिन में 2 बार क्लीन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड डे रूटीन अगर आप बोल रहे हो, तो अगर आपको एक ही रूटीन रखना है तो मैं कहूँगी कि नाइट का रूटीन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा दिन बाहर घूम कर आते हैं, पोल्यूशन स्ट्रेस की वजह से स्किन डर्टी हो जाती है, स्किन पे कितना कुछ लग जाता है। तो एटलीस्ट क्लेंज योर स्किन एंड गिव इट सम टाइम टू ब्रीद, आइडियली ट्वाइस अ डे तो आप अपना रूटीन ज़रूर फॉलो करें। तो दैट इज़ व्हाट आई एडवाइज, कि थोड़ा सा डिफरेंस रखिए मॉर्निंग एंड नाइट की रूटीन में, क्योंकि मॉर्निंग सबसे ज़रूरी हो जाता है सनस्क्रीन लगाना, एंड रात को हमें कुछ चाहिए होता है जो हम अपनी प्रॉब्लम एरियाज को टैकल कर सकें। ओके, एंड मैम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन, और हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सन से, बिकॉज हाइपर पिगमेंटेशन आई थिंक मेन रीज़न इसका सन ही है, तो कैसे प्रोटेक्ट? एज यू राइटली सेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे स्किन केयर में द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सन प्रोटेक्शन, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, इट इज़ ऑल्सो टू प्रिवेंट अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, क्योंकि सन में जो 2 तरह के रेज होते हैं, एक से तो बर्निंग होती है, दूसरे से एजिंग के साइंस आते हैं। तो सन प्रोटेक्शन इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स कि आप धूप में मत जाइए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इफ़ यू कैन पॉसिबली कंट्रोल, कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है 10 बजे या 3 बजे के बीच में, अगर आपको जाना ही है तो फेस को भी थोड़ा कवर कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन अकेला लगाना शायद इनफ ना हो। मेडिकेटेड सनस्क्रीन विद एन SPF ऑफ 30 to 50, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, वो तो ज़रूरी लाजमी ही है, प्लस इन एडिशन अगर आप धूप में बहुत टाइम होंगे तो खुद को थोड़ा कवर कीजिए, थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए, ये ज़रूरी होता है। बिकॉज हाँ, सारा डैमेज जो अधिकतर डैमेज होता है वो सन के रेज की वजह से ही होता है, सो सन प्रोटेक्शन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड मैम अगर बात करें व्हाट आर द इफेक्टिव मेथड्स टू डील विद लार्ज पोर्स? ठीक है, लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी आजकल कॉमन हो गई है, सो पहले तो उसका रीज़न देखने की ज़रूरत है। तो लार्ज पोर्स के जो मैं देखती हूँ, जनरली 2 रीज़न होते हैं, या तो आपका स्किन बहुत ऑयली है तो बार बार ऑयल की सिक्रीशन की वजह से ऑयलीनेस बढ़ जाती है एंड पोर्स का साइज़ वो बड़ा रहता है।
सेकेंड ये रीज़न होता है कि कई बार वेट फ्लक्चुएट करता है, वेट ऊपर गया, वेट नीचे गया, एंड स्किन आपकी थोड़ी सी सैग कर गई, जिसकी वजह से आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं. सो द ट्रीटमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रीज़न. ठीक है, अगर आपका ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन को आप कंट्रोल करेंगे. स्किन में अगर बिल्डअप हो रहा है, कॉमेडोन्स में डर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो उसके लिए आप स्किन को क्लेंस करवाएंगे, मेडिकली एक्सफोलिएट करेंगे. और अगर आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो समटाइम्स वी नीड टू रीसर्फेस द स्किन ऑल्सो, जो हमें कभी कभी पील्स भी यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है. ओके, एंड मैम जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन की, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी ड्राई स्किन के लिए और क्या हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं? ठीक है, देखिए स्किन, एज आई कीप सेइंग कि स्किन हमारा एक ऑर्गन है, तो हाइड्रेशन हमारी बॉडी में इतना हाई परसेंटेज वाटर का रहता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन ऑल्सो इज़ टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. जनरली 8 से 10 ग्लास हम कहते हैं कि आप पानी पीजिए, जूसेस ले लीजिए अगर आपको सूट करते हैं, फ्रूट्स लीजिए, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि स्किन प्लम्प अप होती है. तो अपार्ट फ्रॉम द डाइट अपने स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए, इन द सेंस कभी कभी विंटर में हमें लाइट मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ सकती है, विच विल क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपकी स्किन के अंदर से मॉइस्चर सीप आउट नहीं होगा. एक तो आप वो कर सकते हैं, हाइलुरोनिक आजकल थैंकफुली काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है स्किन में और उससे भी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड एंड प्लम्प्ड अप रहती है. देखिए कई लोगों में ड्राई स्किन जेनेटिक होता है कि फैमिलीज में किसी का स्किन है ही उस टाइप का है कि ड्राई स्किन है. कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी ड्राई स्किन हो सकता है, जैसे अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें ड्राई स्किन कई बार ही देखने को मिलती है. किसी की अगर डाइट पुअर हो, विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, उसमें भी ड्राई स्किन हो सकती है. अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक एसी में रहता हो तो आपको पता है कि एसी से वो इट यू नो सैप्स द मॉइस्चर, पानी नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर ड्राई स्किन. मैम स्किन पिगमेंटेशन देखी जाती है और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हमारा फेस रहता है, हमारी स्किन रहती है, सो व्हाट आर द कॉजेज और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक, देखिए पिगमेंटेशन सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि पिगमेंटेशन होता क्या है. हम सब में जो कलर है स्किन का वो पिगमेंट की वजह से होता है, मेलेनिन की वजह से होता है. पिगमेंटेशन का जब डिसऑर्डर होता है, जब हमारा मेलेनिन का जो पिगमेंट है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो फिर हम उसको पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर बोलेंगे. मैं सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं दैट आई एम अज्यूमिंग हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन जो हम लोग इंडियंस में देखते हैं वो होता है कि कोई चोट लग गई या एक्ने हो गया, उसके बाद में सन एक्सपोजर हो गया, उसके बाद में मार्क हो जाता है. दैट इज़ वेरी कॉमन, सो दैट इज़ लाइक अ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. सेकेंड होता है कि सन का एक्सपोजर. कई लोग, हम लोग जब धूप में जाते तो टैनिंग होती है, वो भी एक तरह की पिगमेंटेशन ही होती है. और कई लोग धूप में ही काम करते हैं, सन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं यूज़ करते, तो उनका स्किन परमानेंटली डार्किन हो जाता है, क्योंकि जो मेलेनिन है वो इकट्ठा होता है. नॉर्मली आप धूप में जाते हैं, घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो मेलेनिन फिर दब जाता है, क्योंकि उसका काम होता है सन से प्रोटेक्ट करना. लेकिन कई लोग जो बहुत लंबे टाइम तक धूप में काम करते हैं, उनका स्किन परमानेंटली वहाँ पे मेलेनिन जमा हो जाता है, वो पिगमेंटेशन कॉज करता है. एंड द थर्ड वेरी कॉमन रीज़न स्पेशली इन वुमेन इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली प्रेगनेंसी में इस तरह के जब इश्यूज़ होते हैं, तो प्रेगनेंसी में इनफैक्ट वो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी ही बोलते हैं, वो क्लोआज्मा होता है, वो भी पिगमेंटेशन का एक डिसऑर्डर होता है. सी द फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज़ टू प्रिवेंट इट, एंड द बेस्ट स्टेप एज आई सेड इज़ सन प्रोटेक्शन. क्योंकि जो भी अगर आपको चोट वगैरह लगी है या अगर आपके एक्नी मार्क्स हैं, आप उसको लेके अगर धूप में जाएंगे तो चांसेस ऑफ इट डार्कनिंग आर वेरी हाई. सेकेंडली इफ़ यू हैव सम स्किन इशूज लाइक एक्नी एक्सेट्रा, उसको आप पिक ना करें, क्योंकि फिर वो स्कारिंग, डार्क स्कारिंग हो जाती है. द थर्ड थिंग इज़ ऑफ कोर्स कि अगर आपका कोई हेल्थ में इशू है, फॉर एग्जांपल अगर थायराइड का इशू है, डायबिटीज़ है, या आपका विटामिन डी ठीक नहीं है, तो इसको आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा, उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है. एंड ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में जो होता है, तो जनरली लेडीज़ दे डू नीड टू टेक ट्रीटमेंट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज़ ओवर, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लाइटनिंग एजेंट्स टू गेट रिड ऑफ दैट इशू. अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, तो क्या हम अपने फेस पर कुछ ऐसा होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज इंडियंस में तो आपको पता ही है टर्मरिक एंड चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो क्या ये इफेक्टिव होती है? देखिए एज फार एज होम रेमेडीज़ आर कंसर्न्ड, मैं ना तो नहीं बोलूँगी कि होम रेमेडीज़ डोंट वर्क. आई वुड से होम रेमेडीज़ वर्क
मोर एज मेंटेनेंस रादर देन ट्रीटमेंट. द रीज़न बीइंग कि जो हमारी होम रेमेडीज होती हैं उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है. पहली बात तो ये. सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर नॉट अलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर होम रेमेडी. फॉर एग्जाम्पल आपने हल्दी बोला तो पीपल लाइक मी आई एम अलर्जिक टू हल्दी, मैं फेस पर लगा ही नहीं सकती हूँ. सो दैट इज़ अ सेकेंड थिंग. जहाँ तक कुछ होम रेमेडीज़ विच काइंड कैन हेल्प इन पिगमेंटेशन, टैनिंग को कम करने के लिए यू नो कई लोग दही यूज़ कर लेते हैं या बेसन यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेमन, बिकॉज इनमें बेसिकली लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं. मोस्ट फ्रूट्स हैव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हल्का सा लाइटन कर सकते हैं स्किन को. बट एज आई सेड के उसमें यू हैव टू बी श्योर यू आर नॉट अलर्जिक टू द प्रोडक्ट. आप एक छोटा सा टेस्ट पैच अपने स्किन पे कीजिए, चीक एरिया पे कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं. अगर आपको कोई एलर्जी नहीं होती है उससे, देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट. बट एज आई सेड कि होम रेमेडीज आर नॉट मैजिक, दे रिक्वायर कंसिस्टेंट यूज एंड दे आर मोर एज मेंटेनेंस रादर देन एज ट्रीटमेंट. मैम रिंकल्स की अगर बात करें तो रिंकल्स को एसोशिएट किया जाता है एजिंग के साथ, तो क्या इज इट ट्रू?